केंद्र सरकार के आम बजट में हमीरपुर की जनता को काफी उम्मीदें हैं और हमीरपुर की जनता इस बार केंद्र सरकार से बजट में फायदे के साथ साथ प्रस्तावित रेल लाइन के लिए भी बजट की उम्मीद लगा रही है। हमीरपुर के लोगों को इस बार केंद्र सरकार से पूरी उम्मीद है कि ऊना से हमीरपुर के लिए जुड़ने वाली रेल लाइन के लिए कुछ न कुछ काम हो। विधानसभा चुनावों में भी ऊना से हमीरपुर रेल लाइन पहुँचाने के लिए बीजेपी के नुमाइंदों ने लुभाने वायदे किए थे, जिस पर अब जनता भी चाहती है कि बजट में कुछ हो। हमीरपुर के कुछ वर्ग के लोगों की बजट को लेकर एच टुडे ने उनकी राय जानी। वीरेंद्र महोत्रा का कहना है कि इस बार केंद्र सरकार के बजट से पूरी उम्मीद है कि बजट राहत भरा होगा। उन्होंने कहा कि बजट में रेल लाइन के काम के लिए भी बजट होना चाहिए ताकि रेल का सपना पूरा हो सके। आनी चाहिए, पूरी आशा है कि होना चाहिए ऐसा। अगर अब भी नहीं आई तो कभी भी नहीं आएगी। जब केंद्र में सरकार मोदी सरकार है और अनुराग ठाकुर जी अपने हमीरपुर संसदीय एमपी चुने गए संसद सदस्य हैं, तो होना चाहिए। इनको मेहनत करनी है, पूरा जोर लगाना चाहिए, तभी लोगों, नहीं तो आने वाले समय लोग पूछेंगे कि आप संसद सदस्य हैं, आपने क्या खाली बातों से काम नहीं चलेगा। बड़ी मेहनत करनी है, लोगों में खुशी होगी कि अगर हमीरपुर में रेल आती है तो इंडस्ट्री के लिए भी फायदा है, लोगों को फायदा है, हमारे जो सैनिक वीर हैं दूर दूर बसे हुए हैं पूरे देश की सेवा कर रहे हैं उनको भी फायदा। हमारा जो एरिया फौजी है, फौजी लोग देश के खातिर पर मिटते हैं, तो इनकी सुविधा के लिए केंद्र सरकार को इस बजट में जो है वो करना चाहिए, रेल आनी चाहिए। युवा चमन कुमार का कहना है कि सांसद अनुराग ठाकुर के प्रयास पहले भी रंग लाए हैं और अब इस बजट में भी काफी उम्मीदें हैं ताकि जो काम हमीरपुर के लिए अधूरे पड़े हैं वह इस बजट में पूरे हो सकें। निश्चित रूप से इस बार जो हमारी केंद्र सरकार से है उसे हमीरपुर के लिए काफी उम्मीदें हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे प्रिय सांसद भाई अनुराग ठाकुर जी ने इसका सर्वे पूरा करवा दिया है और लगभग एक डेढ़ साल के अंदर जो हमें उम्मीद है कि इस बार रेल जो है वो हमीरपुर पहुंचेगी और जनसाधारण को इसका लाभ पहुंचेगा। निश्चित तौर पे ऐसी हम उम्मीद रखते हैं, जब हमारे युवा सांसद यहाँ से हैं और उनका अच्छा रुतबा है तो केंद्र सरकार हमीरपुर के बारे में सोचेगी और निश्चित रूप से रेल यहाँ पहुंचेगी इस बार। व्यवसायी का कहना है कि ऊना से हमीरपुर की रेल लाइन जल्द जुड़नी चाहिए और 2 फरवरी को आने वाले बजट से पूरी पूरी उम्मीद है। उनका कहना है कि पहले तो कांग्रेस सरकार प्रदेश में थी लेकिन इस बार तो प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, तो रेल लाइन के लिए बजट में प्रावधान होना ही चाहिए। अभी बजट आ रहा है तो हम चाह रहे हैं कि जो सेंटर ने अलग अलग जगह जो है रेल लाइनें दी है तो हम ये डिमांड करते हैं कि ये रेल लाइन जो है ऊना से हमीरपुर जो लिंक है वो भी मिले और हमीरपुर वाले जो लोग हैं उनको रेल लाइन से जोड़ा जाए और उनको जो है रेल लाइन की सुविधा मिले। 2 फरवरी को रेल बजट आ रहा है। पहले तो सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और स्टेट में कांग्रेस सरकार थी, तो पहले तो ये बोला जाता था कि कांग्रेस की सरकार की वजह से ये हमारे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट तक रेल लाइन नहीं पहुंच रही है, लेकिन अब तो हमारी स्टेट में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो हमारा यही गुजारिश है सरकार से कि हमीरपुर तक, ऊना से हमीरपुर तक रेलवे लाइन पहुंचाई जाए। अनुराग जी ने बहुत प्रयास किए हैं रेलवे लाइन हमीरपुर तक पहुंचाने के लिए। हम आभार व्यक्त करेंगे मोदी जी का अगर वो अपने बजट में रेलवे लाइन ऊना से हमीरपुर के लिए डालेंगे तो। से जो बजट आ रहा है उसमें हम यही चाहते हैं कि ऊना से हमीरपुर तक रेल लाइन पहुंच जाए ताकि लोगों को अधिक से सुविधा मिल सके। अनुराग जी के प्रयासों से ऊना से लेकर हमीरपुर तक रेल पहुंच जाए तो यही उम्मीद करते हैं हम कि लोगों को अधिक से अधिक फायदा मिले और जो अनुराग जी के प्रयास। गौरतलब है कि इस बार के आम बजट से लोगों को महंगाई कम होने के साथ साथ रोजमर्रा के जीवन के लिए उपयोग में आने वाले सामान में भी फायदा मिलने की उम्मीद जगी है, तो हमीरपुर के लोगों में इस बजट में रेलवे के लिए कुछ न कुछ मिलने की पूरी उम्मीद है।